बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग वीडियोस चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द देखने को मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, मेरी आपसे दुआ है। आज हम पका रहे हैं, आज हैं बढ़िया मूंग की दाल की भाप बढ़िया जो होती है ना, छन्नी पे रख के पानी नीचे उबल रहा होता है और ऊपर छन्नी रख के फिर उसमें ना ये बढ़िया बना बना के रखते हैं, फिर उसके बाद ये भाप। तो देखो दिखाते हैं, ये देखें ये मूंग की दाल है, ये मैंने भिगो दी थी, ये आधा किलो दाल है, ये मैंने देर से भिगोई थी, ये एक घंटे भिगोई है मैंने, इसको नीम गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था। देखें ये भीग गई है, अब इसको हम सिल पर पीस लेंगे। ये देखें ये आधा किलो दाल है मूंग की, ये देखें ये हरा मसाला है, ये देखें ये हरी मिर्चें हैं, ये प्याज हैं, ये पांच प्याज हैं, ये हरी मिर्चें हैं, ये देखें पुदीना है, ये हरा धनिया है, ये हरी मिर्चें प्याज है, ये भी हम काट के इसमें मूंग की दाल जब पीस लेंगे तो उसमें हम शामिल कर देंगे ये काला। अब इसके बाद जो और डलेगा वो हम आपको दिखाते हैं क्या डलते हैं। ये देखें ये पिसी मिर्चें हैं, वैसे तो कुटी भी डलती है, मेरे पास कुटी भी है नहीं अभी, तो पिसी भी डालूंगी मैं इसके अंदर एक चमचा, जो कि अंदर हरा मसाले के साथ। अब ये गरम मसाला है, ये भी हम थोड़ा सा आधी चमची है, ये भी हम इसमें उसके अंदर हरा मसाले के साथ क्या है ये देखें, ये भी हम डालेंगे जब हम मूंग की दाल पीस लेंगे। अब हम मसाला जो बनाएंगे, इसका ग्रेवी बनाएंगे हम इसकी, जो वो ये सामान इसके अंदर डलेगा, ये 3 अदद टमाटर हैं, ये 5 अदद प्याज है, ये एक अदरक का टुकड़ा है, ये एक लहसुन की पूरी गिठान है। ये अभी हम छीलेंगे इसको, फिर ये सब मसाले पीसेंगे तो आपको दिखाते हैं, और जो कुछ डलेगा वो भी दिखाते हैं हम आपको। कि ये हल्दी है पिसी हुई, वैसे तो मैं साबुत हल्दी इस्तेमाल करती हूँ तो अभी है। अभी देखिए ये लाल मिर्चें हैं, ये साबुत आपको मालूम है मैं, तो इसके लिए ये मिर्चें हैं, तो ये देखें, और ये नमक है देखें हल्दी जायका, ये देखिए नमक है, ये हम दोनों में शामिल करेंगे, मसाले में भी और उसमें बढ़िया जब बनाएंगे उसमें भी डालेंगे, कमी बेशी होगी तो हम दोबारा शामिल कर लेंगे। देखिए आप, ये दोबारा मैंने लिया है, ये जब हम मसाला जब तेल गर्म होगा तो ज़ीरा डालेंगे, मसाला डालेंगे तो फिर हम भूनेंगे, तो ये उसमें भी डालेगा और ये मसाले में भी डालेगा। ये देखिए अब हम सब पीसते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके, आप ठीक हैं? ये देखें ये मूंग की दाल जो मैंने आपको दिखाई थी सुबह भिगो के, ये मैंने पीस ली है, इसमें मैंने हरा मसाला डाल लिया है, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा, गरम मसाला जो मैंने आपको सब दिखाया था, पुदीना, प्याज है, नमक है, लाल मिर्चें हैं, ये हम छन्नी मैंने रख दी है बढ़िया बनाने के लिए, इससे पहले मैं दाल चुकी हूँ बनाने के लिए, भी रख दी है, पानी उबल रहा है इसके नीचे भी रख दिए मैंने, पानी उबल रहा है इसके, अब देखें ये मैं इसके ऊपर दाल ये बना बना के बढ़िया रखती हूँ, आप देखें ज़रा। ले मैं बना चुकी हूँ ये, अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैं इसे रख, ये बिल्कुल बाजार में बढ़िया मिलती है ना, और इसको आप काट लीजिएगा, दो काट लीजिएगा, बड़ी बड़ी इसलिए रख रही हूँ आप में, तो मैं इसके 2 टुकड़े कर लूँगी, बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़े की, आप बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा। ये देखें ये मैंने रख दी है, ये देखें, ये देखें अभी हमने बनने के लिए रख दिया, अब इस पर हम ढक्कन रखते हैं, ये देखें अब ये भाप में बन रही है, ये देखें, ये देखें मैंने भाप के लिए रखी थी, ये देखें हो गई है, देखें कितनी प्यारी लग रही है ये। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे, फ्राई करके फिर मसाला इसका बनाएंगे, मसाला भून के भी इसमें डालेंगे, फिर जितना आपको शोरबा रखना है रखिएगा, फिर आपको दिखाते हैं हम मसाला। ये मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हल्दी ये सब मैंने पीस लिया, ये देखें
देखें हमने ये मिर्चें भी पीस ली हैं, ये देखें जीरा है। अब हम मसाला बनाने जा रहे हैं और तो कुछ नज़र नहीं। ये देखें ये अब हम इसमें लहमान ही रही, देखें अभी तेल गर्म होता है फिर हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम जीरा इसमें डाल दें। सबर्स। ये देखें ये हमने प्याज पीसी थी, टमाटर लहसुन अदरक हल्दी वगैरह ये देखें हम डाल रहे हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए मिर्चें जो पीसी थी ये भी डाल रहे हैं। अब इसमें हम नमक थोड़ा सा शामिल करेंगे, हम नमक डाल ये देखें नमक डाल रहे हैं इसके अंदर। ये देखें मैंने एक टीस्पून नमक डाला है, मैंने एक चम्मच नमक डाल दिए मैंने इसके अंदर, कमी बेशी लगे तो आप फिर डालिएगा। अब इसको हम भूनने के लिए रखते हैं और हमारी बढ़िया को हम तलने के लिए जा रहे हैं, हमें फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमने तल रहे हैं, देखें देखें बढ़िया ये हमने डाली हैं तलने के लिए इसमें, देखें बहुत बढ़िया ही देखें। अब ये तल जाएंगे थोड़ी, हम इसको गोल्डन करेंगे तो फिर हम इसको निकालेंगे तो दिखाते हैं, जब पक जाएगी तैयार हो जाएगी फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें मसाला भुन चुका है, ये देखें अब इसमें हम जो हमने बढ़िया बनाई थी वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब बोलेगा कमेंट में बताइएगा कि रंग कैसा अच्छा लगा क्या है। ये देखें हमने बढ़ियों को तल लिया, ये देखें बिल्कुल असली वाली जो बाज़ार में मिलती है वैसी लग रही है ना, और आप पकाइएगा और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी पकी है। ये देखें अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है, ये देखें ये देखें आप इसमें हम ये देखें इसमें डाल रहे हैं जितना आपका शोरबा बनाना है उसके हिसाब से पानी डालें, क्योंकि ये पानी डालने के बाद ये पानी को पीती हैं जस्ट करती हैं अपने अंदर तो फिर कम हो जाता है जितना शोरबा। ये देखें ये अभी 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे फिर हम इसको दम पे रखेंगे फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। फाइनली ये बन चुका है।